टोटल वर्ल्ड की आबादी 800 करोड़, उस 800 करोड़ में से 10% की आबादी भारत की 80 करोड़, उसे 5 किलो राशन दिया जा रहा है अफ्रीका। वहाँ इनको इज्जत दिख रही है, वहाँ इनको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही। लेकिन वही अगर आंकड़े आ जाते हैं कि हाँ जी 55 इंडेक्स होता था भुखमरी में, आज 111 पे पहुंच गया, वो इनको नहीं दिखेगा, वो इनको बेइज्जती नहीं दिखेगी। इन्हें 4 एक्सप्रेसवे दिख गए, उसमें लोगों को रोजगार मिल गया। अरे भाई, 4 एक्सप्रेसवे बने तो उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी समर्थ हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जो 100 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, जो अपना टोल टैक्स दे सकते हैं। मेरे जैसा या लो, मेरे पास गाड़ी है, मैं तो चला जाऊंगा। इनके पास गाड़ी नहीं, इनके पास गाड़ी नहीं, इनके पास गाड़ी नहीं, इनके पास गाड़ी नहीं, कैसे जाएंगे? इनके लिए क्या क्या फायदा एक्सप्रेसवे का? गरीब जाएगा तो क्या उस एक्सप्रेसवे से अपने घर होके नहीं जाएगा क्या? वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाएगा? बस में बैठ के उसी पे जाता है, बस में बैठ के उसी पे जाता है, बस में बैठ के उसी पे जाता है। रोडवेज की बसें अलाउड नहीं है ना? आप क्या बात कर रहे हैं? बस अलाउड नहीं है, पता नहीं, हमने तो खूब चलती हुई देखी है। आप मेरठ जाके देखो, मेरठ पे खूब चल रही है, मेरठ एक्सप्रेस वे पे कोई भी रोडवेज की बस अलाउड नहीं है। मेरठ एक्सप्रेस वे पे सिर्फ गाड़ियां अलाउड है। हाँ, अरे फिर वही साइड लाइन सर्विस लो नहीं है, सर्विस रोड ही नहीं है वहाँ पे। अगर आपको मेरठ जाना है ना, तो दिल्ली मोदी नगर गाजियाबाद दुआई होते हुए जाना पड़ेगा, उस पे रोडवेज की बसें चलती हैं, एक्सप्रेस वे पे रोडवेज बसें नहीं है। हाँ, तो वो तो फिर एक्सप्रेस वे थोड़ी है, फिर जिसकी आप बात कर रहे हो तो वो एक्सप्रेस वे थोड़ी है, वो लोकल हो गया। तो बुरा लंबा ही है सीधा आगे, फिर वो सीधा हरिद्वार जा रहा है पूरा इधर भी। अरे सर, आगे भैया एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं है। और काम बता दीजिए मोदी जी के। बहुत काम किया मोदी ने, हमें पता सबसे पहले तो राम मंदिर बना दिया, जो सारा कांग्रेस से नहीं कर पा रहा था एकदम। सबसे पहले तो राम मंदिर बना दिया, वो काम नहीं कर पाया कांग्रेस। 370 धारा लागू, राम मंदिर और 370 पे ही अंकल वो यही अटके रहेंगे। इनको 5 किलो राशन मिल जाता है, पेट भर जाता है, ये 300, इससे आगे तीसरी चीज इनके पास कुछ नहीं है। 370 राम मंदिर, अब मैं क्या बोलूं, पर्सनल कोई कमेंट नहीं। तीसरा इनको मिला है बेटा, एक सीढ़ी इनको मिला है राम मंदिर में, इसीलिए सही है। तीसरा, अगर हमारा गुरुद्वारा मिल जाएगा, तीसरा बता दीजिए, गुरुद्वारा मिल गया तो ही काफी है मेरे लिए। तीसरा काम बता दीजिए, तीसरा काम बता दीजिए, चांद पर झंडा पड़ गया। चौथा, सबका घर में ये गैस सिलेंडर मिल गया, अनाज मिल रहा है एकदम, बिल्कुल सही। चांद पे झंडा फहराया, ठीक बात है। तीसरा चंद्र मिशन था जो सफल हुआ, इससे पहले पहला भी तो गया था, वो कांग्रेस के सरकार में ही तो गया था 2008 में, वो याद ही नहीं है इन्हें, वो इन्हें याद ही नहीं है ना। 2008 वाला चंद्र मिशन इन्हें याद ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो 2014 के बाद आंखें खोली हैं, सब कुछ इनके आगे नया नया वही दिख रहा है 2014 के बाद वाला। आठ वाला इनको दिखाई नहीं कि चंद्रयान पहले भी जा चुका है, वो इन्हें कभी याद भी नहीं रहेगा, ना ये याद करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें तारीफें करनी है, बेतुकी बातें करनी है। एक भी कोई तुक वाली बात करें, ठीक है जी, उज्ज्वला गैस योजना दे दी, 4 करोड़ कनेक्शन दे दिए, 3.25 करोड़ से ऊपर तो दूसरी बार सिलेंडर भी नहीं भरे गए, क्योंकि रेट बढ़ा दिए गए थे। देश का बात कर रहा है। हाँ, तो देश की तो बात कर रहे हैं, देश का ही बात करना है। मेले देश में चार ही जाति है, महिला है, किसान है, युवा है, गरीब है, उनका विकास करेंगे, विकसित देश। आज इन्हें चार जाति याद आ गई, इससे पहले तो लगातार मैं ओबीसी हूँ, मैं तेली हूँ, अब वो जाति कहाँ चली गई? अब वो जाती कहाँ चलेगी? गिरगिट तो वैसे ही बदनाम है रंग बदलने में, ये तो उसके भी गुरु निकल गए। अभी तक तो मैं ओबीसी हूँ, पठान का बच्चा हूँ, तेली हूँ, और मैं उससे छोटी कौम से आता हूँ, इसलिए लोग मुझे गालियाँ देते हैं। इनकी पूरी पूरी पार्टी ये कहती थी कि जी ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, आज उन्होंने फौरन जाति मिटा दी, अब उनके लिए सिर्फ चार जाति रह गई। क्यों भाई? क्योंकि चारों इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस बोल रहे जाति की बात, तो इसको और क्या, ये झूठ बोलते हैं सारे, कांग्रेस झूठे है, कांग्रेस ही झूठे है सारे। बीजेपी 400 पार, बिल्कुल है मैडम। क्या खास वजह क्या है? आप एक चीज देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ठीक है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, ठीक है, और बद्रीनाथ अगले साल चालू हो जाएगी, ट्रेन चालू हो जाएगी बद्रीनाथ तक। कितना काम किया है बीजेपी ने, क्या कह रहे हैं? कौन सा एक्सप्रेस वे? 4 एक्सप्रेस वे मैंने अभी गिनवाए आपको, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे,
मेरठ से हरिद्वार का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है साढ़े पाँच घंटे में। चलो ठीक है, चार एक्सप्रेस वे बना दिए पिछले 9 साल में, कितनी बड़ी उपलब्धि, कितने बहुत, ये बहुत बहुत तो शब्द मैं सबसे सुनता हूँ, बहुत गिनाने का नाम आता है तो आंकड़े किसी के पास नहीं होते। चार एक्सप्रेस वे गिना के आप, उससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गए हो कभी आप वहाँ पे, जाओ देख के आओ। मैंने आपसे बोला आपने चार गिना दिए, चार के बाद पांचवा तो कोई गिनाओगे। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं क्या उसमें मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा? वो खाली खाली बैठ रहे करोड़ों लोग जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा? और देश की छवि सुनो, ये जो कह रहे हैं ना कि अगली लोकसभा में तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में से कोई सा भी हो सकता है, वो पहला भी हो सकता है हमारा विधान अगले लोग। जीएसटी से लाभ जवाब ले लेते, जवाब बिल्कुल हो सकता है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हवाबाजी से काम नहीं चलता। चाइना इतना मजबूत क्यों है कि बैंगलोर से आप सुबह जाओ और शाम को वापसी आ जाओ, वहाँ ऐसा सिस्टम है। ठीक है जी, वही सिस्टम यही बनाने लगे पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। तो एक व्यापारी के सुबह जाए और शाम को वापसी अपने घर आके बैठ जाए, वो किस लिए हो रहा है? कि व्यापार बढ़े, व्यापारियों के लिए। आप सोच रहे हैं कितने व्यापारी हैं, और जो आम जनता है, नहीं जो आम जनता है उसके लिए, जो आम जनता, जितने भी आपने आप एक्सप्रेस वे गिना है उन सब एक्सप्रेस वे पे टोल टैक्स लगता है। आप गाड़ी लेके जाओगे तो सबसे पहले आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स। जो कांग्रेस के राज में चली जाती थी, और क्या सिंगल वे रोड था भाड़ सीधा ऊपर, और क्या आपको पता है पिछले 9 साल में रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा कितना है? वो तो पता है कितना है? कितनी पब्लिक, सुनो अब उन्होंने क्या रखा है, हेलमेट पहन के चलो, पब्लिक जो हेलमेट पहन के चलेगी तो क्या होगा, वहाँ पे भी गडकरी है, हेलमेट पहनने आएगा। ठीक है, हेलमेट की आपने बात करी, इन सारे एक्सप्रेस वे सुनो हेलमेट की आप बात कर रहे हो, सुन तो लो अब। अरे जवाब भी ले लेते हैं सर, जवाब भी ले लेते। एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एक्सप्रेस वे जिसपे टू व्हीलर अलाउड है, एक भी बता दो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आप टू व्हीलर लेके चले जाओ, 20,000 का जुर्माना है, गाड़ी जब्ती अलग है। चारों के चारों जितने के सारे गाड़ी वालों के लिए बनाए हैं, उसमें सिर्फ गाड़ियां चल सकती है, टू व्हीलर अलाउड नहीं है, थ्री व्हीलर अलाउड नहीं है, साइकिल का तो खैर मतलब ही नहीं उठता। अब इसमें कह रहे हैं कि जी हेलमेट की गिनती है, ठीक है, हाँ यहाँ जाओगे पैसा दो तो आपको सुविधा मिलेगी, अदरवाइज आपके पास पैसा नहीं है तो आप भूल जाओ हाईवे क्या चीज होती है, टोल टैक्स क्या होता है। विदेशों की तर्ज में चल रहे, विदेशों की तर्ज में और भारत की तर्ज में फिर फर्क कितना है? 80 करोड़ आपके सरकार के हिसाब से 80 करोड़ भारत में गरीब है। आपकी सुनो मेरी बात, आपने बोला कि विदेशों में क्या चल रहा है, विदेशों में पर कैपिटल इनकम कितनी है और भारत में पर कैपिटल इनकम कितनी है, कौन से देश से कंपेयर करोगे? 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है, हाँ जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, आने वाले 5 साल तक भी फ्री में देंगे। कौन? मोदी सरकार देगी, और कौन देगा? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, जब आएंगे पावर में दोबारा देंगे। नहीं देगी, नहीं रोजगार नहीं देगी, वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा, वो भारत की गरीबी, वो आत्मसम्मान नहीं दिख रहा। क्या लगता है अंकल? नहीं कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। नहीं मैं इस विषय में कितनी, मैं तो बाहर से हूँ, इंडिया से बाहर से आए? नहीं इंडियन, इंडिया से ही हूँ, राजस्थान से हूँ। क्या हो रहा है राजस्थान में? आ रहे गहलोत जी? गहलोत जी आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, गहलोत जी आ रहे हैं बिल्कुल आएंगे। उधर मोदी जी कह के गए हैं 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर। नहीं अशोक जी आएंगे। तो मोदी जी कैसे लगते हैं, इतना तो बता ही सकते हैं? मोदी जी भी ठीक है, लेकिन अशोक जी ने इनके प्रशासन के टाइम में बहुत अच्छा काम किया, जरूर आएंगे। उनकी चिरंजीवी योजना कैसी लगी? चिरंजीवी जो योजना बहुत अच्छी, बिल्कुल। मतलब बीजेपी, मतलब की जो रिवाज है राजस्थान में वो खत्म हो रहा है इस बार, 5 साल बदलाव वाला? हाँ बिल्कुल, वो खत्म हो रहा है। क्या कहेंगे भैया मोदी जी, कैसे लगते हैं? सब अच्छे हैं। क्या फायदा करा दिया मोदी जी? कुछ नहीं, हमें सब अच्छा ही है। सब अच्छा है, आप बताइए। मोदी जी सही है, क्या ऐसा क्यों लग रहा है? करप्शन कम हुआ है मोदी जी के आने से, करप्शन कम है। करप्शन कम हुआ है, फायदा क्या हुआ है? फायदा देख रहे हैं, पेमेंट ऑनलाइन हो गया, ज्यादातर कैशलेस इंडिया हो गया, कैश लेस हो गया है और करप्शन कम हुआ है, ऐसा आप कह रहे हैं? कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि 2014 तक हमारा जो नकदी प्रवाह था वो 17 लाख करोड़ का था। जब नोटबंदी हुई थी तो 17 लाख करोड़ के जो नोट थे वो हमारे 500 के 1000 के जो बंद करे गए थे, और उससे पीछे के करीब करीब 2 लाख करोड़ के छोटे नोट थे, ठीक है जी। और आज वो नकदी प्रवाह बढ़ के 38 लाख करोड़ पहुँच चुका है। ये कैशलेस इनके लिए कैशलेस है, 38 लाख करोड़ डबल हो गया बिल्कुल, नकदी प्रवाह जो है जिसे कहते हैं कि नकद में लेन देन।
अब वो निकल ली। युवा है नौकरी लग रही है कि मिल जाएगी कभी? नौकरी नहीं मिलेंगे, नौकरी कहाँ मिलेंगे, खुद का काम करोगे? जैसे ही काम करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बेकार है, कुछ काम नहीं किया है मोदी जी ने। काम नहीं किया। आप बताइए कहाँ से आप? आज मैं नेपाल से। कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से है? नेपाल से। ये 2000 चुनाव में कांग्रेस जीते गए। ये 2000 चुनाव में कांग्रेस जीते गए क्योंकि ये बीजेपी जो बीजेपी सारा बदनाम हो रखा है हर जगह जगह। हाँ जी मैडम जी, झूठ नहीं कर रहा हूँ। तो कांग्रेस जीतेगा? हाँ जी कांग्रेस जीतेगा। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। करेंगे बात नहीं करेंगे, कर लीजिए बात। कहाँ से? सीतामढ़ी, बिहार। बिहार। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी को देख के? ऐसे ठीक है, उतना भी नहीं खास है। खास नहीं है? नहीं है। अब देखिए 2024 में कांग्रेस का राज आएगा। कांग्रेस आ रही है? हाँ ना, कांग्रेस। हाँ, बहुत जल्द है कांग्रेस का राज। हाँ। अभी 5 राज्य में चुनाव थे, पता चला? हाँ चला उतना। वहाँ पे क्या होने वाला है? अब देखिए ऐसे तो कांग्रेस का ज्यादा है चांस। कांग्रेस के चांसेस ज्यादा है। आप बताइए अंकल। बोल 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 बोल। नहीं बोलेंगे।